हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग है सभी को, गुड इवनिंग है। क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। देखिए, ये हमारे पास पेपर है, अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, देख रहे हैं आप लोग, दिख रही है स्क्रीन पर? नहीं सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, ये पेपर देख रहे हैं? इस पेपर के पैटर्न में आपको क्या लग रहा है? इस पेपर में आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों एक दो। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। ऊपर देखिए एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन हैं, है ना? फिर देखिए कथन वाले क्वेश्चन आ गए, आपको छाटना है। ये सारा असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखिए एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक। ये देखिए मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए, है ना? अभी मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं, बस जस्ट वेट। सर चंडीगढ़ में भी ऐसा ही आया इस बार बीपीएससी में। वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, पता है क्यों दिखाना चाह रहा हूं? ये देखिए ये चंडीगढ़ का पेपर है, ठीक है? क्योंकि आपके सर जो वो है ना एमसीक्यू, वो उसी से मैच खा रहा है सर। हाँ ये देखिए, ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, है ना? और चूज द करेक्ट, ये चंडीगढ़ का पेपर आपको दिखा रहा हूँ मैं। मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसका मैं भी कारण आपको बताऊंगा, ठीक है? देखिए भर भर के क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है। ये जो आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बीपीएससी का, देखिए ये बीपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए बीपीएससी के क्वेश्चंस मैच द कॉलम के आए हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे किसके आए हैं, बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन है आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? ये देखिए आगे देखिए, देखिए फिर मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी आ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट वन और टू सही है, गलत है, क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चंस भी है, देखिए यहाँ पर आया ना एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये सर एमपी टेट में भी आए थे सर। हाँ आप असिस्टेंट और रीजन वाले से क्या है इसके पीछे, एक और पेपर दिखाऊंगा आपको, एक पेपर और दिखाऊंगा आपको, छत्तीसगढ़ स्पोर्ट ऑफिसर, देखिए सॉरी छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी सेट, छत्तीसगढ़ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। क्यों दिखाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चार ऑप्शन पांच ऑप्शन देता है और कोई दो ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। देखिए ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आप, एजर्शन और रीजन है। देखिए फिर यहां पर तीन ऑप्शन चार ऑप्शन सही आपको छाटना है, या आपको यहां पर फाइनल सीक्वेंस आपको करना था। देखिए फिर यहां पर आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है? देखिए क्वेश्चंस देखिए आप, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, इसको दिखाने का उद्देश्य बस एकमात्र यही है कि पूरे यूट्यूब चैनल पर और पूरे फिजिकल एजुकेशन के इस जो भी आपको पूरे इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का जहां भी आप यूट्यूब पढ़ते हैं या कैसे भी पढ़ते हैं उसमें सिर्फ मेरे ही चैनल पर एक ऐसी प्रोवाइड ऐसी फैसिलिटीज और ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं,
इसका कराने का बस एक ही उद्देश्य है। ठीक है, तो आज हम लोग आएंगे अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन चैप्टर नंबर 5 है। हम लोग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर पहला टॉपिक जो शुरू होता है, दैट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन का मीनिंग, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे क्वेश्चन शुरू होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से देखना शुरू करते हैं। सभी लोग रेडी है? यस सर। आइए, मैं सच बता रहा हूं कि आने वाले समय में जो पैटर्न एग्जाम का बदल गया है, अगर आप ये तैयारी करके नहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पैटर्न बदला हुआ है, आप वन लाइनर क्वेश्चंस को लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना भी वन लाइनर लगाएंगे वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले 5 से 6 पेपर दिखा दिया पहले, कि देखिए अभी करंट में सब जगह ऐसा नहीं है। आप एचटेट का पेपर उठा के देख लीजिए और भी बहुत सारे पेपर उठा के देख लीजिए, जहां भी पेपर हो रहा है वहां मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, एजर्सन और रीजन, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन वर्ड या स्पोर्ट्स मेडिसिन के मीनिंग को इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सबसे अच्छा डिफाइन कर रहा है, आपको ये बताना है। यहाँ बता रहा है, अ ब्रांच मेडिसिन फोकस सोलली ऑन प्रोफेशनल एथलीट्स। राइट है या रॉन्ग है, आपको बताना है। राइट है कि रॉन्ग है, ये आपको बताना है। आप लोग आंसर दीजिए तो मैं आप लोगों का, मैं बता दूं कि मैं यहां पर आप लोगों को सही आंसर बता दूंगा, थोड़ा सा आपका नाम भी लूंगा, आप लोग बस बताइए कि आपका कौन सा आंसर आपने सही बोला। रॉन्ग है, यहाँ पे ये सही है, ये वाला ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, सही है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन आपका प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए होता है? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। द स्टडी ऑफ इंजरीज इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, मतलब ये सिर्फ स्टडी करता है जो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में लोगों को लगती है, बस उसी इंजरी पे फोकस करेगा। नहीं गलत है। अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा है, सही है। कहने का मतलब क्या है, खेल संबंधी चोटों का उपचार और रोकथाम करने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण रखता है, इसी को हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इन स्पोर्ट्स, क्या खेलों में ड्रग्स का यूज करना ही स्पोर्ट्स मेडिसिन कहलाता है? राइट है, रॉन्ग है? रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब क्या बचा, स्पेशली डीलिंग विद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से भी कंसल्ट रखता है? किसी ने एमपीए में पढ़ा है स्पोर्ट्स मेडिसिन? यस सर, राइस प्राइस वगैरह ये आएगा इसमें? वो तो आएगा ही आएगा। आप ये बताइए कि क्या बायोमैकेनिक्स और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को इंक्लूड करता है स्पोर्ट्स मेडिसिन, यस और नो? यस सर, यस सर, नहीं करता। नहीं करता है, उल्टा है सर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, सी और ये ऑप्शन आपको सही मिला। ठीक, तो इस तरीके से मैं सच बता रहा हूं कि पूरा इतिहास उठा के आप देख लीजिए, अभी तक YouTube पे जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं,
आप कहीं भी किसी भी तरह से पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन और इतना जो कि आजकल जो कॉन्सेप्ट बदल गया है डीप नॉलेज का, ये क्वेश्चन आप नहीं लगाते हैं तो मान के चलिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने लायक अभी नहीं है, इसीलिए आपका मिस हो रहा है। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, व्हाट आर द प्राइमरी एम्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्राइमरी एम क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्राइमरी एम क्या है आपको बताना है। तो ए वाला होगा क्या, टू इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन, नहीं, सर्जिकल से हम परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाने करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन इसकी इजाजत नहीं देता है कि सर्जरी करके प्रदर्शन को बढ़ाया जाए, नहीं, कोई भी चीज अवस्था छेप ऑपरेशन वगैरह नहीं करते, टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस, तो ये सही है, स्पोर्ट्स मेडिसिन खेलों में लगने वाले चोट और चोट से कैसे रोकथाम किया जाए इसके बारे में स्टडी करने वाला एक साइंस है और ब्रांच है किसका, मेडिसिन का ही एक ब्रांच है जिसका कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स मेडिसिन के नाम से रखा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक। यहां पर नेक्स्ट हमारा क्या है, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ, तो सी भी सही है, इसमें क्या होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन में आपका ओवरऑल हेल्थ को और फिटनेस परफॉर्मेंस को हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू रिहैबिलिटेट एथलीट्स आफ्टर इंजरीज, क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कराया जाता है, कितने लोग जानते हैं इसमें रिहैबिलिटेशन का मतलब, कोई बताए, चोट के बाद उबरना, हाँ, मतलब चोट के बाद, चोट से लग, आफ्टर गेटिंग इंजरी या हाउ टू रिगेन योर लॉस स्ट्रेंथ, एक अगर लाइन में आपको आंसर देना हो तो आप सीधा बोल सकते हैं हाउ टू गेट योर लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोया हुआ स्ट्रेंथ, आपके मसल्स और आपके मतलब कि जो आपके इंजरी के बाद, इंजरी के समय आपको जो लॉस हो गया था, आपका जो दिक्कत हो गई थी आपको, आप कैसे उसको वापस पा सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं रिहैबिलिटेशन। तो क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन रिहैबिलिटेशन में काम करता है नहीं करता है, करता है सर, करता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट है, क्या है, टू इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ मैच द कॉलम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एजेक्शन रीजन ऐसे ही कराऊंगा, वो जो बेवकूफों वाला क्वेश्चन आप वन लाइनर लगा के हीरो बन जाते हैं ना, वो क्वेश्चन नहीं, कोई मतलब नहीं अब उसका आने का, क्योंकि हमारा पैटर्न बदल गया है और अगर आप न्यू पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे निश्चित बता रहा हूं कि आप दिक्कत में आ जाएंगे और कोई वैकेंसी आपसे निकलेगी मात्र सिर्फ आप अपनी तैयारी को, सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर आप सिंगल क्वेश्चन लगाते हैं तो, क्योंकि अब सिंगल क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस खत्म होने वाला है, कुछ दिन में फिजिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऐसा कर दिया जाएगा ना, ये वन लाइनर बहुत कम आएंगे, 10-15% ही आएगा, ठीक है। तो अभी से आप सजग हो जाइए और जरूर को क्वेश्चन को लगाइए, मैं बार बार बताता हूं लेकिन उसके बावजूद लोग आते हैं और मेरी क्लास में और फिर 10 मिनट रहेंगे उसके बाद गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पसंद ही नहीं आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, विच प्रोफेशनल टिपिकली वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन को प्रोफेशनल तौर पर देखा जाए तो कौन कौन सा कार्य या स्पोर्ट्स मेडिसिन करने के बाद आप कौन कौन से जॉब को एज अ प्रोफेशनल अपना सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, यस और नो, यस सर हो सकते, जी हैं? सर जी सर जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकते हैं, हो सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट जी सर ये भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट
अब बायो मैकेनिक्स तो ये तो नहीं होगा, बायो मैकेनिक्स ये तो ऐसे ही हट गया, ये तो सर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है ना। हाँ ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यस ठीक है। आपका आवाज जाना पहचाना लग रहा है। यस सर, मैंने आपसे बुक खरीदी है सर इसलिए। यस सर, और आपके एप्लीकेशन में सर मैं सब लगाती हूँ, 149 वाला भी है ना मेरे को परचेज करना था अभी, उसमें है ना आपने वो क्वेश्चंस भी डाले हैं सारे टॉपिक वाइज, कुछ कुछ के डल गए कुछ कुछ के रह गए, पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सर वो भी। जी चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिये टाइम पास नहीं करता सर, उसका आंसर क्या है सर, उसका सिर्फ बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी, ये तीनों सही है। अगर हम स्पोर्ट्स मेडिसिन को एज अ प्रोफेशनल के तौर पे देखें कि व्हाट आर द करियर इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, तो आप ये तीन करियर को अपना सकते हैं, और भी होते हैं लेकिन इनमें से बताना था आपको। जी सर, नेक्स्ट बात कर रहा है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एथलीट्स हेल्थ डज स्पोर्ट्स मेडिसिन एड्रेसेस, कहने का मतलब क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन एथलीट के स्वास्थ्य के किन पहलुओं को संबंधित करता है। अगर हम स्पोर्ट्स मेडिसिन को एज ए हेल्थ के तौर पे देखें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, वो एथलीट की किन चीजों पर काम करता है, उसकी फिजिकल फिटनेस पे काम करेगा, मेंटल वेलबींग पे काम करेगा, काम करेगा इंजरी प्रिवेंशन में काम करेगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम करेगा। सर इस पे तो तीन ही ऑप्शन, सर ऑप्शन ऑप्शन तो तीन ही दिया हुआ है, ए बी सी। न्यूट्रिशन में तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो जहां तो सी तो सब में दिया हुआ है, ए और बी सी, फिर ए बी सी सोशल तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, ठीक है। हां 4 सही है, ए बी सी, क्योंकि 4 सही नहीं है तो वो 4 तीनों में है और सर इसलिए डी वाला सही है। जी अगर ऐसे क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत होती है ना, तो इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक समझिएगा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताएंगे कैसे ट्रिक करना है, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इनमें से स्पोर्ट्स मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने थ्योरी के नॉलेज पर एक स्टेटमेंट बनाइए कि या तो सबसे निगेटिव पॉइंट को पकड़िए कि कौन सा इन पांचों स्टेटमेंट में से बिल्कुल नहीं हो सकता है और ऑप्शन को काटते जाइए, या दूसरा तरीका यह है इसको करने का कि या तो आप स्ट्रॉन्गली एग्री हैं, तो यहां पर दो बातें निकल के सामने आई कि व्हेन यू, ठीक है, जब भी आप इसको लगाएं इस प्रकार के क्वेश्चंस को और आपको एकदम लगे कि एकदम नया क्वेश्चन है मेरे लिए और टाइम इंगेजिंग है, तो टाइम इंगेजिंग को बचाने के लिए, ठीक है, सब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्गली एग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री की तरफ जाना है, या तो पॉजिटिव की तरफ जाओ एकदम या तो एकदम निगेटिव की तरफ जाओ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे, टू इनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस थ्रू लीगल मींस, मतलब चोट की रोकथाम करने के बारे में एथलीटों को शिक्षित करना ही क्या होता है, एथलेटिक स्पोर्ट्स मेडिसिन का उद्देश्य है। सॉरी यहां पर आ गया, कानूनी तरीकों से एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाना स्पोर्ट्स मेडिसिन कहलाता है, सही है गलत है? सही है सर। सही है जी सर। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर आपने, अब आप इसको क्या करेंगे, आप ये देखिए कि किस ऑप्शन में ए नहीं है, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं होगा, यहाँ चारों ऑप्शन में ए है, तो इसका मतलब आपको दूसरा स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, टू एडुकेट एथलीट्स अबाउट इंजरी प्रिवेंशन, ये सही है? सही है, सही है सर, सही है सर। आप देखिए किस ऑप्शन में बी का इस्तेमाल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये और ये, इन दोनों में बी का इस्तेमाल नहीं है, नहीं। अब आपके पास 50-50 का चांस आ गया, देखा जैसे ही आपने इसको काटा आपके पास ऑप्शन आ गया 50-50 का,
ठीक है, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो बीपीएससी में है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बीपीएससी में जो बच्चों ने मुझसे मतलब गाइड लिया था, गाइडेंस किया था, वो सारे बच्चे ने मुझे आकर वापस से थैंक्स बोला था कि सर आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस मुझे बहुत हेल्प किए, क्योंकि सारे लोग सर कह रहे थे कि बीपीएससी में सिंपल क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर सिर्फ आएगा और एनसीईआरटी से आएगा, जबकि इस बार ऐसा क्वेश्चन आया सभी की हवा जो है ना वो खराब करके रख गया। और हो सकता है मैं भी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मेरे क्लास से ही बच्चा टॉप पे जाएगा, क्योंकि एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताता था कि इसको ऐसे करना है, बोला कि सर ये बहुत हेल्प किया है, ऑप्शन को करेक्ट काटने वाला, जो आपने करेक्ट काटने वाला बताया था ना, वो बहुत हेल्प किया है। तो देखिए दो ऑप्शन आपके कट गए, तो ए बी डी और ए बी सी, अब ये बचा हुआ है, तो सी को पढ़ लेते हैं, टू डेवलप ट्रीटमेंट प्लान फॉर स्पोर्ट रिलेटेड इंजरीज। ई को हटा दीजिए क्योंकि ई तो है ही नहीं कहीं, ई भी हट गया इसके साथ, तो टू प्रमोट द यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स, नहीं डी गलत हो गया, क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन, ए बी सी होगा, हाँ ए बी सी ऑप्शन नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको वन मान के चलिएगा, वन टू थ्री फोर, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ डज स्पोर्ट्स मेडिसिन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ। अच्छा सच्ची बताइएगा कि आप लोग जा रहे पेपर देने, चाहे छत्तीसगढ़ चाहे नवोदय, मैं सिर्फ एक जगह नहीं बता रहा हूं, देखिए कहां कहां ये पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में मिला पैटर्न, अभी बोलिए तो मैं दिखा दूं डी ट्रिपल एस बी का पेपर भी खोल के आपको, नवोदय, अच्छा नवोदय से याद आ गया, अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, अंदर की बता दूं, जी जी बताइए, 15 दिन के अंदर वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन आ रही है नवोदय विद्यालय की, लिख के रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और समझिए, इस बार नवोदय में टीजीटी और पीजीटी दोनों अलग अलग पोस्टें आएंगी, और फिजिकल के लिए कभी भी पीजीटी पोस्ट नहीं आया था, पहली बार ऐसा होगा, अंदर की खबर बता रहा हूं आपको, ऐसा पहली बार होगा यहां पर नवोदय विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन के पीजीटी पोस्ट पे भी रखे जाएंगे टीचर्स। सर एमपीएड मांगेंगे ना उसमें? हाँ उसमें एमपीएड मांगेंगे, यस सर एमपीएड है सर, वो तो इंग्लिश का एक नंबर चला गया था, नहीं तो हो जाता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीजीटी पोस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है सर, इस बार केबी में भी आने की संभावना है, ऐसा मुझे अंदर से खबर मिली है, पीजीटी, हाँ ऐसा मुझे अंदर से खबर मिली है, ठीक है आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद ईएमआरएस वैकेंसी, सर ईएमआरएस कब तक आई है? ये भी आने वाली वैकेंसी है, ये दिसंबर से पहले आएगी, अब इसमें टाइम लगेगा, लेकिन 2024 में आना है। तो ये जो मैं आपको बताया, और एक केवीएस, केवीएस का वैकेंसी अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट इन चारों में जो आप क्वेश्चन मेरे साथ लगा रहे हो, इसके अलावा देखिए बीपीएससी का पैटर्न भी बदल गया, इसके अलावा अभी आप कोई भी, अभी आपका पंजाब में भी नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकली है, उनके लिए भी ये वाले क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे, गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हाई लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब लेवल बदल रहा है फिजिकल एजुकेशन का, सिर्फ अगर सिर्फ मैं देखूं तो यूपी टीजीटी को छोड़ के अभी तक किसी ने, मतलब बाकी सारे जितने भी आयोग हैं अदर अदर स्टेट्स के, सबने अपने लेवल को बढ़ाया है। एचटेट का पेपर उठा के देखिए ना, पीजीटी का, एचटेट का पेपर और टीजीटी पीजीटी दोनों देखिए, एचटेट का किसी ने दिया था 24 वाला दिया नहीं था सर, पर देखा था थोड़ा सा, अच्छा लेवल था सर, लेवल बढ़िया था, लोगों के हवा ही निकल रही थी या नहीं। तो आप देखिए एचटेट में जब ऐसे पेपर आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि सर हवा टाइट हो गया है, तो बाकी ये तो एचटेट वगैरह क्या है,
ये तो क्वालिफिकेशन है ना, एग्जाम मेन एग्जाम तो बाकी रहता है। तो जब आपका एमपीटेट में भी वर्ग तीन में भी सर बहुतों के नहीं हो पाए थे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ यूपी टीजीटी को निकाल दिया जाए, और मैं बता दूं आपको कि फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी भी ऐसे ही आएगा सर, हो सकता वो कई साल बाद आएगा, वो देख रहा है सब। मैं इसी गारंटी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 70% बच्चे यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, इसीलिए उन लोग का दिमाग हो गया खराब, क्योंकि वन लाइनर पढ़ते हैं सब, वन लाइनर पढ़ के एकदम बहुत अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। जितने लोग होशियार समझते हैं, जितने लोग मैं कोचिंग चला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन करवा दीजिए उनके सामने, इस 20 क्वेश्चन में से अगर वो 15 का सही जवाब दे देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ वो सही कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद सर वन लाइनर तो अपने आप ही हो जाएंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को बोल रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं कि बच्चों को सही चीज बताइए जो भविष्य में आने वाला है। क्यों हम बच्चों का जीवन पैसा भी ले रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे कि हाउ डज स्पोर्ट्स मेडिसिन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन पब्लिक हेल्थ को कैसे सही करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छठवां का क्या हो जाएगा आंसर, इसको जब हम लोग बात करते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है, बाई प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी फॉर ऑल एजेस। हाँ तो ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये सही हमारा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एकदम सही है, हम पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के थ्रू क्या कहते हैं कि सभी को ये कहते हैं कि अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी का मतलब होता है जो आलसपन वाला जीवन है ना, ठीक है, उस जीवन से बाहर निकलिए, उस सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। तो गतिहीन, कॉम्बैट का मतलब यहाँ पे गतिहीन, मतलब कि आप एकदम अपने जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आप थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं करते हो, चलते फिरते नहीं हो, टहलते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, मूवमेंट्स नहीं करते हो, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी यहाँ पे सही हो गया, बाई फोकसिंग एक्सक्लूसिव ऑन एलीट एथलीट्स। ये सिर्फ क्या एलीट एथलीट्स पर ही फोकस करेगा स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं, सी गलत है यहाँ पे, डी ऑप्शन, बाई एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ये भी सही है। जी सर, बाई इंप्रूविंग वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स। वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कार्यस्थल अर्गोनॉमिक्स में सुधार करके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बना आपका ए बी डी, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सिक्स, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रैक्टिस में की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, ये अगर आप इसको रेगुलर लगाना चाहते हैं तो यकीन मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लगाऊंगा या लगवाऊंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिस, आपको बताना है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रैक्टिस में की कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से, इसमें से की मतलब मेन, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है जी, जी सर। परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट थ्रू द इलीगल सब्सटेंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन में ऐसा करते हैं क्या? नो सर, नहीं, नहीं। तो भी यहाँ कट जाएगा। रिहैबिलिटेशन एंड रिटर्न टू प्ले प्रोटोकॉल्स, यस सर, जी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिवेंटिव केयर एंड इंजरीज रिस्क असेसमेंट, इसका ए सी डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी एंड डी। ठीक है, अब इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग फर्स्ट एड पे लगाएंगे क्वेश्चन, तैयार हैं सब? जी सर, क्वेश्चन कितने लोगों को अच्छा लग रहा है एक बार लाइक करके बताइए सर। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है जी।
लाइक वाला बटन कहाँ है इसमें? चलिए स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग ना वो भी बेट भी लगाना शुरू करेंगे, मतलब मैसेज आप करिएगा, मैं नाम लूंगा कि कौन पहले आंसर दिया, कल से हम लोग शुरू करेंगे उसको, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से, और अब हम लोग करते हैं फर्स्ट एड के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एड में व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड? एम क्या है फर्स्ट एड का? पहला, टू कंप्लीटली क्योर द पेशेंट, टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, टू प्रमोट रिकवरी, या टू प्रिपेयरमेंट प्रोफेशनल मेडिकल। कहां चला गया ये? गुरु जी दिखाई ना दे रहा, कहां चलेगी स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है जी सर। जी सर स्क्रीन दिखने लगी ना? दिख रही है सर। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे सर, ये और दिखाई दे रहा। अभी दिखाई दी स्क्रीन? हाँ सर, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, दिख रही है। आइए अब बात करते हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा एम फर्स्ट एड का एम होता है? आपने पढ़ा होगा ट्रिपल पी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। पहला है बी सी, बी सी डी जी सर। क्या हो गया प्रिवेंस? पी में क्या हो गया? प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंस, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रमोट रिकवरी। देखो बी सी डी आया है ना? यस सर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस फर्स्ट एड? बस शोर नहीं करिए, एकदम शांति से जवाब दीजिए, कोई डिस्टर्ब ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन फर्स्ट एड? इनमें से कौन है जो फर्स्ट एड को बेस्ट तरीके से डिफाइन करता है? कोई तीन उत्तर सही है। इमीडिएट केयर गिवन टू द विक्टिम इंजरी और इलनेस, एकदम सही बात है, इमीडिएट होता है, इंजरी तुरंत बाद ट्रीटमेंट है, वही फर्स्ट एड है। एसीडी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, ये गलत है। इमरजेंसी केयर, ये सही है, फर्स्ट एड एक इमरजेंसी केयर होता है। एसीडी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? एसीडी बेसिक लाइफ सपोर्ट टेक्निक्स होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स ये नहीं है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको करने के लिए एक तो और तरीका बताते हैं। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का की ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू स्टेबलाइज द पेशेंट कंडीशन। अगर हम चाहते हैं इसके उद्देश्य को, फर्स्ट एड का उद्देश्य पहला क्या होता है कि सिचुएशन और ज्यादा गंभीर होने से बचे। टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, मतलब कि हालत और ज्यादा गंभीर होने से हमको बचाना है, ये पहला हमारा कंडीशन कहता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, पहला वाला ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जिसमें ए नहीं है उसको काट दीजिए, ये दोनों काट दिया आपने, लेकिन यहाँ पे दो और तीन दोनों में सी डी हो गया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो कोई बात नहीं है, चल के देख लेते हैं, बी वाला गलत है। तो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर, नहीं, हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर क्यों लगाएंगे पहले, क्योंकि हम फर्स्ट एड दे रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स क्यों लगाएंगे, ये तो डॉक्टर बताएगा। टू एलिविएट पेन एंड सफरिंग, मतलब दर्द और पीड़ा को कम करना चाहिए, ये सही है कैसे भी करके। टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, ए सी डी तो ये ऑप्शन दोनों ही सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शायद ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, तो दो तीन दोनों हम सही कह सकते, लेकिन ए सी डी यहाँ पर आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है विच प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड एम्फेसाइजेस क्विक एक्शन। प्राथमिक चिकित्सा का कौन सा सिद्धांत त्वरित कार्रवाई पर जोर देता है? स्टे काम, मतलब शांत रहने के लिए, जब शांत रहने के लिए कहा जाए वो सिद्धांत। रैपिडली, स्थिति को तेजी से आकलन करना, देखिए यहाँ पे सही है, ये गलत है।
कॉल फॉर प्रोफेसर इमीडिएटली, सी भी सही है, बी और ए सी, बी सी ई होगा सर, बी सी ई, बी सी ई, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट हो जाएगा, बी सी ई, ठीक है। भाई जिसके की मोबाइल से आवाज आ रही है आप बस आवाज ना करिए, बाकी बहुत बढ़िया मजा आ रहा है क्लास करने में, अच्छा लग रहा है जी सर, जी सर, जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, व्हाट डज द एक्रोनिम एबीसी, पता है फर्स्ट एड में एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है एबीसी, कहीं कहीं सीएबी भी लिखा होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, एयरवे और ब्रीदिंग, कहीं कहीं एयरवे ब्रीदिंग और कंप्रेस भी होता है, कहीं कहीं एबीसी बोला जाता है, कहीं कहीं सीएबी भी बोला जाता है। बी सही है, नंबर बी, नंबर बी रहे, बी सही है सर, बी, नंबर डी, डी भी सही है। दोनों सही है, बी डी, ऑप्शन सर गलत है उसमें, तीनों सही है, कहीं कहीं हम एबीसी को एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन भी कह सकते हैं, अलर्ट ब्रेथ कंप्रेस भी कह सकते हैं, एनालाइज ब्रेथ कॉल भी कह सकते हैं, ये तीनों ही कह सकते हैं सर। कभी ऐसे ये एग्जाम में फंसा तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे सबसे पहले? पहला वाला, बी वाला आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसलिए हमने इसको वो किया, क्योंकि हमको ये देखना है कि ऑप्शन क्या दे रहा है ये। यस सर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, एक में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो तो कोई सा एक आएगा। अगर कोई भी आ सकता है ना सर, परफेक्ट बोला जाए तो बी वाला परफेक्ट है जी, ये तब है ना जब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए इसी से। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल सिद्धांत कौन सा होता है जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं? इंश्योर योर ओन सेफ्टी फर्स्ट, पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? फर्स्ट एड देने जा रहे हो पहले अपनी सुरक्षा देख ले, ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, अपनी सुरक्षा नहीं, चोटिल की, जो व्यक्ति चोटिल है उसकी सुरक्षा। ये कैसे, इसका मतलब समझिए ध्यान से। मान लीजिए आप किसी को बर्निंग से बचा रहे हैं, चोट से जले हुए को किसी को आग लग गई है, आप चाहते हैं कि आग बुझा के उसको बचाया जाए, तो क्या आप पहले अपना बिना मतलब सिचुएशन को देखे आप डायरेक्ट कूद जाएंगे आग में? बताइए, तो पहले कोई मान लीजिए कोई डूब रहा है, आप सिचुएशन को देखे बिना पहले कूद जाएंगे पानी में, आपको खुद भी तैरना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हमको फर्स्ट एड देना है, ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सुरक्षा भी देखेंगे, ए वाला सही है। दूसरी हम बात करते हैं, नेक्स्ट, डायग्नोसिस द अंडरलाइन कॉज ऑफ इंजरी, सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि चोट के अंतर्निहित कारण क्या है, ताकि सही, ये भी सही है, ए भी और डी, तो इसका जो होगा यहां पर बी गलत है। रिश्योर द कैजुअलिटी, सबसे पहले घायल व्यक्ति को स्वस्थ करेंगे, ये एकदम सही है। ए सी डी, प्रिंसिपल में बात ध्यान रखिएगा, एम में बात ध्यान रखिएगा कि हमको ट्रिपल पी याद रखना है, ट्रिपल पी बहुत बी तो होगा ही होगा, ठीक है, ट्रिपल पी हमेशा याद रखिएगा, ये आपका एम भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा जिस जो हमारा विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको हम क्या करेंगे, उसको तसल्ली दो,
अगर उसका कुछ दिक्कत भी हो गया, बहुत ज्यादा गहरा भी हो गया, तो ये नहीं कर अरे कितना खून निकल गया आ, इस तरह से नहीं उसको डराएंगे। अपना अपना माइक बंद कर लिया, आश्वस्त करेंगे उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड मूविंग द कैजुअलिटी अननेसेसरली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाने से बचें, मतलब ज्यादा उसको इधर उधर हिलाया वाया नहीं, एकदम स्थिर मूवमेंट कर दे। सबसे पहला क्या है, स्टॉप मूवमेंट, ताकि कि जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। ठीक सर, लिगामेंट टेंडन की जो इंजरीज होती है उसमें हिलाते नहीं है, किसमें, जैसे कि वो टेंडन की सर जिसमें वो फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसमें हिलाते करते नहीं है ना, जिससे थोड़ा सा दिक्कत आता है फिर। नहीं, नहीं, किसी में इसलिए ये लिखा हुआ है ना, स्टेबिलिटी किसी में नहीं होता है, अरे सॉरी मूवमेंट किसी में नहीं करेंगे, खासकर कोशिश करिए कि चाहे स्प्रेन स्ट्रेन चाहे कोई भी इंजरी हो तो तुरंत वहां पे स्टेबिलिटी देंगे, नो मूवमेंट। यस सर, स्टेबिलिटी शुड बी मस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन फर्स्ट एड। जब हम फर्स्ट एड देंगे तो फर्स्ट एड में जो हमारी प्रायोरिटी होगी उसका जो सही तरीका क्या होना चाहिए, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, चेक, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी, फॉर हेल्थ, सी डी ई, सी डी ई सर होगा, सी डी और ई। सबसे पहले हम उसको एयरवे देंगे, आवाज ब्रीदिंग देंगे उसको, श्वास ब्रीदिंग श्वास, सर्कुलेशन उसका नाड़ी वगैरह चेक करो, चेक फॉर डेंजर कितना खतरनाक चोट लगा है उसको चेक करेंगे, रिस्पांस देखेंगे, सेंड फॉर हेल्प मदद के लिए गुहार लगाएंगे, ट्रीट द मोस्ट ग्रीवियस इंजरीज फर्स्ट, सबसे पहले जो चोट ज्यादा गहरी दिख रही है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग रिवर कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट हमारा है कॉमन स्पोर्ट इंजरीज, अब इसके क्वेश्चन हम देखेंगे, तैयार है सभी लोग, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पोर्ट्स इंजरीज, इनमें से कौन है जो सबसे सही स्पोर्ट इंजरीज को डिस्क्राइब कर रहा है, इंजरीज सर किसी के माइक ओपन है वो कंटिन्यू ओपन है, एक्सरसाइज स्पोर्ट इंजरी क्या होता है, ऐसी इंजरी जो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी लगती है उसी को स्पोर्ट इंजरी कहते हैं, और एक्सरसाइज के दौरान लगती है इसी को कहते हैं, क्या सही है गलत है आप बताइए, मुझे नहीं बताना है, गलत है सर, सही है भाई, स्पोर्ट इंजरी किसको कहेंगे, एक्सरसाइज के दौरान लगने वाली, ए बी डी, ए बी डी, ए सही है, बी क्या कह रहा है, इंजरीज दैट ओनली इफेक्ट सॉरी अफेक्ट प्रोफेशनल एथलीट्स, बी सही, ए बी डी होगा, बी सही, बी गलत है, बी गलत है, बी नहीं होगा, ओनली और प्रोफेशनल ये दोनों वर्ड गलत है इसमें, बी गलत है, सिर्फ ये प्रोफेशनल को देखता है क्या स्पोर्ट इंजरी, अगर हम एमेच्योर प्लेयर हैं और हमको चोट लगेगा तो क्या हमारी इंजरी उसके अंतर्गत नहीं आएगी, स्पोर्ट इंजरी के अंतर्गत, हम भी खेल रहे हैं, हम प्रोफेशनल नहीं है, हम एमेच्योर प्लेयर है, दोनों में डिफरेंस पता है सभी को ना यहाँ पे, कि एमेच्योर प्लेयर और प्रोफेशनल एथलीट्स में क्या क्या अंतर होता है, एमेच्योर होते हैं हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए गेम खेलते हैं, जिनका कि गेम खेलने का कोई पैसा नहीं मिलता वो एमेच्योर होते हैं, जिनको गेम खेलने पर पैसा मिलता है वो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, वही उनका प्रोफेशन है। ठीक है, याद रखिएगा,
तो इंजरीज सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स को बचाएगी, स्पोर्ट इंजरी उन्हीं को होती है नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डैमेज टू द बॉडी टिश्यूज और बोन्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, सही है गलत है। क्या स्पोर्ट इंजरी उसको मानते हैं जो बॉडीज के टिश्यू और बोन्स को चोट लगता है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स? यस। इंजरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम पुअर टेक्निक और ओवर यूज, कंडीशन दैट डेवलप स्लोली ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेटिव मोशंस, गलत है। डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। अब यहां पर देखिए चारों में ए सी डी है, दो में, पहले वाले में भी ये, तो कोई भी एक ले लेंगे, लेकिन ए सी डी इसका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रही हो? नो दिक्कत, ऑप्शन रखने में दिक्कत हुआ है, कोई बात नहीं है। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज? इसमें बताना है कौन सा एक्यूट स्पोर्ट इंजरीज। एबीडी, एक्यूट समझते हैं पहले, एक्यूट जल्दी जल्दी लगना, तुरंत लगने वाली चोट, तुरंत चोट लगने वाली, खिंचाव, मोच। कितने घंटे में सही हो जाएगी एक्यूट इंजरी? सर ये जीरो से 12 घंटे, 12 घंटे से 48 घंटे की होती है पोस्ट एक्यूट, क्रॉनिक इंजरी 48 घंटे से ज्यादा वाली। ठीक 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 सही है। तो स्प्रेन को हम रख सकते हैं इसमें? जी सर, स्ट्रेन ये नहीं होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा, फ्रैक्चर लंबी इंजरी हो जाती है, स्ट्रेन होगा और ये ई वाला होगा, ए डी भी नहीं होगा, तो ए डी दिया ही नहीं है सर। मोच, खिंचाव, चोट, ये कौन कंजेशन सर? वो होता है ना नील पड़ जाना, इसमें चोट लिखा है, कंट्यूजन। हाँ कंट्यूजन सर, इसमें ए सी ए सी ई होगा इंग्लिश का। अरे आर्थराइटिस, अच्छा ए सी डी नहीं रखा इसमें। हाँ ये लंबे समय के लिए होता है, जो भी इंजरीज लंबे समय के लिए होती है ईबीडी होगा, ओवरयूज होगा, ईबीडी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में ई नहीं है, कोई बात नहीं, पर डी ऑप्शन रहेगा। हाँ ए डी और ई, ये सही है। हाँ सर जी सर, ए डी इंग्लिश में ऑप्शन दे रखा है ना, पर इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, वैसे डी ऑप्शन सही है, मतलब चौथा आंसर सही है। चलिए आगे बात करेंगे, विच ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ ओवर यूज इंजरी? टेनिस एल्बो सही है, सही है, यस सर, यस जी सर, सही है सर, बार बार होती है ये। और चारों में ये दिया हुआ है, और जंपर को रनर्स नी होता है, नी में भी होती है जंपर, रनर्स नी दौड़ने, दौड़ने होती है, जंपर्स नी भी होती है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो गया। अब क्या बचा? कंकसन, कंकसन जानते हैं कौन सा चोट है? सर की या बनना जाना, जब सर नहीं लग जाए, बढ़ जाए, जब सर ये भी बहुत होती है, जिससे सर एकदम टकरा जाए, अचानक से हेड लड़ जाए, जन्ना जाता है, फुटबॉल में लगती है, इधर उधर लग जाती है ज्यादा। हाँ। शिन स्प्लिन, एबीडी इसका सही आंसर, एबीडी ह्यूमर शोल्डर, ठीक है सर सही। एबीडी तीसरा, आप लोग ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन कुछ कुछ मिक्स लग रहा है, आप अपना सही बताइए, है कि नहीं? यस सर। What preventive measures can help reduce the risk of sport injury? सर इस बार ना ऐसे जैसे आपके में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, ऐसे सॉरी अभी बिहार वाले ने ऐसे ही दिए हैं, गलत दिए हैं, उसमें बहुत सारे आंसर नन ऑफ दीज थे। तो व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पोर्ट इंजरीज?
प्रॉपर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन रूटीन, ये ऐसा कर सकता है क्या? सही है, प्रॉपर डाउन और प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग डाउन भी क्या करता है, आपको इंजरीज होने से बचाता है, बचाता है। जी सर, स्टेटमेंट सही लग रहा है। सेम ऑप्शन है। परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी गलत है। वीरिंग एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर्स, ये भी सही है। ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ये भी सही है। इग्नोरिंग पेन एंड पुशिंग थ्रू डिस्कम्फर्ट, गलत है। ये गलत क्या बना आपका? ए सी डी, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, ऊपर भी दिया हुआ है, उसको छोड़ते हैं, लेकिन ये आंसर सही है, ए सी डी। यहाँ बोल रहा है कि वो क्या तरीका है जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिससे हम रिस्क को, स्पोर्ट इंजरी के रिस्क को घटा सकते हैं। तो उचित व्यायाम करके, उचित वार्म अप कूलिंग डाउन करके, उसके बाद कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स को, मतलब अच्छा इक्विपमेंट्स जो आता है प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं ना, गियर मतलब क्या है, जैसे आपका सिंगार्ड हो गया, हेड गार्ड हो गया, चेस्ट गार्ड हो गया, ये सब जो आप पहन के खेलते हो ना, यही हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टिव गियर होता है, ठीक है। और हमें जो अपने ट्रेनिंग के दौरान जो उसकी इंटेंसिटी है, गति की तीव्रता है, वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अगर घटना बढ़ा देंगे तो भी हम इंजरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सर, सर चार पांच लोगों के ना ओपन है ये कंटिन्यू, तो कह दो ना सर बीच बीच में बंद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंजरी प्रिवेंशन इन स्पोर्ट्स, आपको बताना कि कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो कि इंजरी प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं स्पोर्ट्स में। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, क्या ये हमें इंजरी से बचाने में, बचाव करने में सहायता करता है? सही है, ए बी डी करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडिक्वेट रेस्ट एंड रिकवरी टाइम, ये हमें इंजरी को प्रिवेंशन करने मदद करता है, एकदम करता है। यस सर। फोकसिंग सोलली ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट डज राइज स्टैंड फॉर स्पोर्ट इंजरी ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपने देखा होगा। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, तो ऊंचाई हृदय से ऊपर उठाना चोट को, ठीक है, अपना जो हार्ट लेवल है उसके ऊपर रखना अपनी चोट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर स्पोर्ट इंजरी, इसमें तो तीन ही देखिए आपको आंसर देना है, एबीसी सही है, एबीडी सही है, कौन सा सही है, तो यहाँ पर एबीसी सही होगा क्योंकि तीन ही आंसर देना है, तो तीनों ऊपर के सही है। ओके सर, ठीक। इसके बाद हम लोग मैथ तो कॉलम वाला क्वेश्चंस करें। यस सर। विच ऑफ दीज आर कॉमन कॉज ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, कॉमन कॉज क्या, कॉजेस क्या है स्पोर्ट इंजरीज के, पुअर कंडीशन, हाँ ये सही है, इम्प्रॉपर टेक्निक, ये भी सही है, वियरिंग लूज फिटिंग क्लॉथ, नो सर ये नहीं होगा, गलत है, ये नहीं है, लैक ऑफ प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स, ये होगा, सडन इंक्रीज इन ट्रेनिंग इंटेंसिटी, यस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर होगा ए बी डी डी ई, ठीक है, ए बी ई ए बी ई इज करेक्ट आंसर।
चलिए इसको छोड़ते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, हर एक टॉपिक, खाली आप टॉपिक का नाम बताइए। आप चाहेंगे तो एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी हर टॉपिक से ला सकता हूं, आप बोलेंगे तो सीक्वेंस। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब तो चला जाएगा नेट लेवल पे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो कम से कम कथन वाले क्वेश्चंस तो हर एक टॉपिक से रखिए, आप सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, ये फर्स्ट एड है नहीं, पहले का बी है। फर्स्ट एड का मतलब होता है इमीडिएट केयर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन या विक्टिम, तो पहले का बी है। तो देखिए तीनों में पहले का बी है, इसको करने का तरीका देखिए, एम ऑफ फर्स्ट एड क्या है, टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी, हाँ ये है। एबीसी का मतलब है एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, राइस का भी दिया। तीसरे का क्या होगा, तीसरे का डी होगा, एबीसी मतलब एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। चौथे का ई पोजीशन, चौथे का ई है, पोजीशन मतलब अपोजिशन टू मेंटेन एंड ओपन एयरवे। पांचवे का सी राइट, ऑलवेज बी केयरफुल, केयरफुल ये भी कहते हैं। तो क्या ऑप्शन बना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी करने के लिए टेक्निक सीख लीजिए कि हमको कट करना है, कैसे कट करना है। देखिए सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट किस में आता है, एक्ट क्विकली बट कामली इंश्योर द सीन, तो पहले का बी, सर बी, पहले का बी लेकिन चारों में दिया हुआ है, अब क्या करेंगे। यस सर, दूसरे का चेक करना है सर, दूसरे का चेक करना है, दूसरे का क्या हो जाएगा, रीअश्योर, रीअश्योर मतलब एक बार पुनः सांत्वना देंगे, कंफर्ट द कैजुअलिटी एंड एक्सप्लेन व्हाट आर यू डूइंग, सही है गलत है, बट कामली दूसरे लगते ही सर आंसर आ गया ए, नहीं दूसरे का सी होगा, दूसरे का सी होगा, तो फिर तीसरे का ये अगर हुआ तो फिर हाँ, ये आंसर सही हो जाएगा, नहीं, नहीं ये आपका दूसरे का सी हुआ है, दूसरे का सी है, ऑप्शन नंबर ये सही है, तीसरे का डी है। रैपिड असेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्विकली इवेलुएट द सिचुएशन एंड कैजुअलिटीज, रैपिड असेसमेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत असेसमेंट मतलब पता लगा सकते हैं, इवेलुएट कर लीजिए कि ज्यादा गहरी है। चौथे का ई हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा, कॉल फॉर हेल्प, एक्ट क्विकली बट कॉमनली, आराम से हमें कॉल करना है, ठीक है। प्रायोरिटीज, ठीक है, यानी प्रायोरिटीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फर्स्ट, तो यहाँ पर पांचवे का सी हो जाएगा, कंफर्ट द कैजुअलिटी एंड एक्सप्लेन व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी पांचवे का ई होगा, सॉरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंटिंग वर्सनिंग, प्रमोट रिकवरी, प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, बी, पहले का बी तो सही है, परफॉर्म सीपीआर, प्रिजर्व लाइफ मतलब सीपीआर देकर लाइफ बचा सकते हैं, नेसेसरी होता है, ठीक। प्रेजेंट, फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का सी या ए, दूसरे का सी है, तीसरे का देखते हैं आप, डी या ए, तीसरे का डी, यस सर, ठीक है। एक बार इसको हटा के हम समझाते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले का बी हो गया, ठीक है, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का डी हो गया, चौथा, तो चौथे का क्या हो जाएगा, ए, चौथे का ए, सॉरी यहां गलत हो गया, एक मिनट
तीसरे का ए होगा। प्रमोट रिकवरी मतलब अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस स्वेलिंग, रिकवरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस सर, तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा, चौथे का सामने सामने आ जाएगा, दोनों ही सामने आएंगे, हो जाएगा। ये सही है, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 3। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, पांचवे का ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करने में, क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग छोड़ के चले गए। यस सर, अच्छा लग रहा है। ज्वाइन किए तकरीबन 35 से 40 लोग क्लास को, और अभी मात्र 20 से 22 लोग बचे हुए हैं। सर, जो एंड तक टिकेगा वही सफल होगा। बस ये आप मुझे नहीं बताना है, आप बताएंगे। 10 भी बज रहा है ना, 10 भी बज रहा है, सोना भी है, चले जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्रेन, ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स, ये होता है स्प्रेन? नहीं। ब्रोजिंग ऑफ द टिश्यू बेनेथ द स्किन, नहीं। ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, ए का तीसरा। जैसे लिगामेंट आया स्प्रेन आ गया, और ये हो गया आपका पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का क्या जाएगा? डी, फ्रैक्चर का डी, बोन, अ ब्रेक ऑफ बोन, फ्रैक्चर, कंकुलेशन, क्या हो जाएगा? ब्रीथिंग रुक जाता है सर टिश्यू में, बी। चौथे का बी, डिसलोकर जॉइंट में हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, पहले का, दूसरे का या तीसरे का। नेक्स्ट हम देखते हैं, टेनिस एल्बो, रनर्स नी, स्विमर शोल्डर। टेनिस एल्बो, टेनिस, रनर नी। टेनिस एल्बो किस में होता है? टेनिस में होता है, टेनिस में होता है। यस सर, तो बस इसी के सामने इसी को जोड़ लीजिए। आपका पहले का रनर नी, रनर्स में होता है, दूसरे का रनर नी, ए में चला जाएगा, रनिंग में होता है, रनर्स नी। सिन स्प्लिंट किस में होता है? स्विमर का, स्विमर में चला जाएगा। नहीं, सिन स्प्लिंट हाँ, बास्केटबॉल में नहीं सर, बास्केटबॉल का जंपर नहीं आएगा, जंपर होगा, बास्केटबॉल का जंपर, बास्केटबॉल का जंपर आएगा सर। सिन स्किन तो सर ई का आएगा, और स्विमर का स्विमर आएगा। स्विमर का यहाँ आ गया, यस सर। ठीक है, फुटबॉल में हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये हो गया आपका टेनिस एल्बो, टेनिस में, रनर्स नी हो गया रनिंग में, सिन स्प्लिट हो गया आपका सॉकर में, सॉकर आपका स्पोर्ट हो गया बी में, जंपर नी बास्केटबॉल। ठीक, नेक्स्ट वार्म अप, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेनिंग इंटेंसिटी, नहीं। Wearing appropriate protective gear, नहीं। Light exercise to prepare the body for activity, yes sir, yes sir, option number C is correct हो गया। Cool down, yes, cool down sir D है, after activity, हाँ, option number दूसरे का D हो गया। Progressive overload, तीसरे का A हो गया, तीसरे का A हो गया, training of intensity, ठीक है। Yes, sir. तो पहले का यहाँ पर सी, कितने लोगों में पहले का सी है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये आंसर कट गया पहले। अब इसमें दूसरे का डी कितने लोग बता रहे हैं? दूसरे का डी देखिए, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, तो आप रिक्वायरमेंट वाला लगा दो बी पे। चौथे का ई, चौथे का क्या हो गया? ई, क्रॉस ई, यस सर, वेरी एक्सरसाइज रूटीन, प्रॉपर इक्विपमेंट, वार्निंग अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्टर दिया, प्रॉपर इक्विपमेंट मतलब है वेयरिंग एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, अच्छा हिंदी में नहीं आ रहा है, इसका तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर, सर हिंदी में तो समझ में भी नहीं आता ज्यादा, इंग्लिश सही है यहां सर, ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में ही सही लगते हैं सर, तभी आप सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको ना कीवर्ड्स मिल जाता है। यस सर, बताऊं आपको,
इंग्लिश में क्या होता है कीवर्ड्स मिलता है और उस कीवर्ड से हम लोग आसानी से इसको कर पाते हैं। सर हिंदी के कई अर्थ होते हैं और इंग्लिश के इतने शब्दों के अर्थ इतने नहीं होते जितने हिंदी के कई अर्थ होते हैं। एक स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल जाएगा और वो पूरे बातों को एक्सप्लेन कर देगा एक छोटे से वर्ड में, इस वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। यस सर, हम हिंदी से इंग्लिश में होगा पूरे सर कन्वर्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, मिनिमाइज स्वेलिंग, हेल्प रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, प्रमोट ड्रेनेज ऑफ एक्सेस फ्लूइड। क्या होगा इसमें? रिड्यूस फ्लूइड, रेस्ट का हो जाएगा प्रिवेंट फर्दर इंजरी। आइस, सर डी होगा और थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का सी हो जाएगा और थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का सी हो जाएगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब मिनिमाइज स्वेलिंग, मिनिमाइज स्वेलिंग, स्वेलिंग को कम करना, कंप्रेस करके, और आई से हेल्प रिड्यूस हो जाएगा, मतलब पेन और इन्फ्लेमेशन जो दर्द जलन सूजन वो कम हो जाएगी। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब ई, चौथे का ए होगा, चौथे का सर ई, ई होगा ना, प्रमोटन डैमेज एंड एक्सरसाइज को कम करना चाहते हैं। नंबर फोर का ए, फ्लो को रोकने इंजर्ड एरिया में, इसीलिए उसको उस पार्ट को एलिवेट करके रखते हैं, ऊपर कर देते। ठीक है, यस बस सर, 10 बजे। हाँ 10 बज गए, सबको सोना भी है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। ठीक है, चलिए बाकी लगाते रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को रोजाना आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सर टॉपिक से। हाँ सारा रिकॉर्डिंग है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सारा रिकॉर्डिंग भी है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी आप बोलेंगे तो एजर्सन और रीजन वाला भी आपका जो सेक्शन है वो भी आपको सही करवा देंगे। बस पुराना क्वेश्चन लगाने का तरीका छोड़ दीजिए, बेकार है। पुराने क्वेश्चंस ऑनलाइन लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चंस भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन दिक्कत बस यही होता है कि लोग ना वो कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं सर, जो पढ़ेगा उसके पास ही रहेगा, वो कोई किसी को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मैं बता दूं कि आदमी अगर इतना मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पेड क्लास की बात करेगा। यस सर, इसमें किसी को गलत नहीं लगना चाहिए। नहीं, यस सर। ठीक है, तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं पेड क्लास से और रेगुलर क्लास में, वो इस नंबर पे बात करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो अपना पर्सनल क्लास, इसमें आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट लाइव क्लास में 3 महीने की क्लास में पूरा सारे क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्म में, एक चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और एजर्सन और रीजन जो आपको दिक्कत करते हैं, यही वाले क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लगवाया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित जुड़िए आप लोग, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास जुड़ने के लिए वो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए मेहनत कर रहा है तो मेहनत का आदमी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अब यही जो टाइपिंग हो रहा है इसका पर पेज आप जान रहे हैं, टाइपिंग का जाता है, बाकी चीजें हैं, तो कोई इसमें गलत नहीं है। आपको सही चीज है तो वो आपको काम भी आएंगी। ठीक है।